संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बितरे हमारे ध्यान। कल अपने बंदाधिकार की वे गाथाएँ पढ़ी थी, छह गाथाएँ, जिनमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति के जीवन मरण का कर्ता दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने करुणानियोग का सहारा लेके कहा था कि आयु के कर्म के क्षय से मरण होता है और तुम किसी का आयु का अपहरण नहीं कर सकते तो तुम उसका मरण कैसे कर सकते हो। इसी प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी आयु का अपहरण नहीं कर सकता तो वो तुम्हें कैसे मार सकता है। और फिर दूसरी बात एक कही थी कि ऐसे ही आदमी आयु कर्म के उदय से जिंदा रहते हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हें आयु कर्म दे नहीं सकता तो वो तुम्हें कैसे बचा सकता है, और जब तुम किसी को आयु कर्म दे नहीं सकते तो उसे कैसे बचा सकते हो। इस तरह जैन दर्शन का जो करुणान योग और अध्यात्म माने त्रिद्रव्यान योग, इन दो अनुयोगों के सहारे से उन्होंने इस बात को यहाँ प्रस्तुत किया। प्रथमान योग के तो बहुत उदाहरण मिलते हैं कि इतनी घोषणाएं कर दी थी भविष्य की, उन्हें कोई नहीं पलट पाया। नेमिनाथ ने घोषणा कर दी थी अर्ध चक्रवर्ती श्री कृष्ण वगैरह, उसमें कुछ नहीं बदल पाए, वो भी इसी बात की घोषणाएं हैं। तो चारों अनुयोगों के आधार पर ये बात सुनिश्चित और नक्की है। अब इसके बारे में विशेष चर्चा आरंभ करने के पहले मैं वे चार गाथाएं भी पढ़ लेना चाहता हूं कि जिनमें ये कहा गया है कि जैसा जीवन और मरण के संदर्भ में है वही बात सुख दुख के संदर्भ में भी है, कि कोई आदमी किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति के सुखी दुखी होने के कारण उसके स्वयं के अंदर विद्यमान हैं। ये गाथाएं हैं 293 से लेकर 296 तक, 53 से 296, हाँ 53, हाँ 253 367। जो अपना तुम नदी दुखित सुहिदे करे मिसते थी, सो मोड़ो अन्नानी नानी ये तो दुविवरी दो, कम्बोदयेन जीवा दुखित सुहिदा हवन्ति चति सव्वे, कम्मं चरणे सितुमं दुखित सुहिदा कर्कयाते, कम्बोदयेन जीवा दुखित सुहिदा हवन्ति जति सर्वे, कम्मं चरणति पितुहं कदोऽसि कहं दुःखितो ते, कम्बोदयेन जीवा दुखित सुहिदा हवन्ति जति सर्वे, कम्मं चरणति पितुहं कहतं सुहृदो कदो ते। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को यह मान्यता, ज्ञान है क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। मैं सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव, जब तू कर्म दे सकता न जब सुख दुख दे किस भांति कर है। सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव, जब दुस कर्म दे सकते न जब दुख दर्द दे किस भांति कर है। सुखी होते दुखी होते कर्म
गाथाएं बहुत सरल हैं, पद्यानुवाद से ही आपको उनका अर्थ ख्याल में आ गया होगा कि जब प्रत्येक जीव अपने कर्म के उदय के अनुसार सुखी दुखी होता है और तुम किसी को कर्म दे नहीं सकते हो तो किसी को सुखी कैसे कर सकते हो, और किसी के कर्म को अपहरण नहीं कर सकते हो तो तुम उसे दुखी कैसे कर सकते हो। ऐसे ही कोई व्यक्ति तुम्हें जब वो शुभ कर्म दे नहीं सकता, पुण्य कर्म दे नहीं सकता, तो वो तुम्हें सुखी कैसे कर सकता है, और जब वो तुम्हारे पुण्य कर्म का अपहरण कर नहीं सकता तो वो हमें दुखी कैसे कर सकता है। इस तरह जीवन मरण और सुख दुख, जिनकी सबसे ज़्यादा फिक्र हर इस अज्ञानी जीव को होती है। अभी एक बात और समझ लो कि हमारे दिमाग में एक दुराग्रह और है कि काम तो दो कारणों से होता है ना, उपादान और निमित्त, उपादान और निमित्त। तुम उपादान ही उपादान की बात करते हो, निमित्त की बात ही नहीं करते, तुम निमित्त को उड़ाते हो। ये आरोप लगता है ना, कुंद कुंद पे भी लगता होगा, अमृतचंद पर भी लगता होगा। तो उनने कहा भैया कर्म का उदय है निमित्त और आत्मा की स्वयं की परिणति है उपादान। अब ये दो ही हो गए, तुम कौन होते हो बीच में? तो समझना बहुत मार्मिक बात है। आचार्य की समस्या जगत की व्यवस्था करना उतनी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक है। उनकी समस्या तो ये है कि उनके सामने बैठा जो शिष्य है वो किसी ना किसी परद्रव्य का कर्ता बना रहता है। जैन दर्शन में ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं माना है, ये तो सब बच्चा बच्चा अच्छी तरह जानता है, जानता है ना। और जैन न्याय शास्त्र को उठा के देखो, आधा न्याय शास्त्र सिर्फ इस बात के लिए समर्पित है कि ईश्वर इस जगत का कर्ता नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं क्या? लेकिन कुंद कुंद ने समय साल लिखा, प्रवचन साल लिखा और जो जो ग्रंथ लिखे वे सभी ग्रंथ में एक पंक्ति ये नहीं लिखी कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं। कभी तो आश्चर्य होता है, सब आचार्य उस पर 100-100 पेज, 200-200 पेज लिखते हैं, पूरा न्याय शास्त्र भरा पड़ा है, अरे कुंद कुंद क्या एक शब्द भी नहीं लिखते हैं। अमृतचंद्र ने जैसे श्वेतांबर मत के खिलाफ कोई ज्यादा बातें नहीं लिखी, वे गाथाएं उनके समय सारणी टीका में नहीं है, तो जयसेन जी में श्वेतांबर मत का खंडन करती है। तो ऐसी आवाज आई थी इस देश के किसी कोने में से कि वे श्वेतांबर तो नहीं थे, उन्हें श्वेतांबर का खंडन इष्ट नहीं था, तो कुंद कुंद को ईश्वरवाद का खंडन इष्ट नहीं है, ऐसी भी आवाज उठ सकती है ना। क्यों? तो वो कहते हैं कुंद कुंद कि मेरे सामने जो शिष्य मंडली बैठी है उसमें चाहे वे मुनि हो चाहे गृहस्थ, एक भी व्यक्ति ये नहीं मानता है कि ईश्वर जगत का कर्ता है। अब मैं उन्हें ये समझा कर अपना और उनका दोनों का समय खराब क्यों करूं? क्यों? मान लीजिए इस सभा में एक भी आदमी रात्रि भोजन नहीं करता, आलू नहीं खाता। अब मैं रोजाना आलू नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो आखिरकार आपका धैर्य समाप्त होगा ना। आप कहेंगे बहुत हो गया, हमारे यहाँ कोई खाता ही नहीं है, क्यों आप धुनाई कर रहे हो, कोई धर्म की तत्व की बात बताओ ना, कहेंगे ना हमारे कोई खाता ही नहीं है, फिर क्यों कर रहे। तो ऐसे ही कुंद कुंद से वे कहते मैं क्या करूं, मुझे नहीं कहना है, लेकिन मेरी समस्या ये है
कि छोटे बड़े कर्ता धरता गली गली में घर घर में बैठे हैं। कोई पूरे देश का कर्ता बनता है, कोई अपने प्रांत का कर्ता बनता है, कोई अपने जिले का कर्ता बनता है, कोई समाज का कर्ता बनता है, कोई मंदिर की व्यवस्था का कर्ता बनता है, कोई अपने परिवार का कर्ता बनता है, कोई बाल बच्चों को पालने का भ्रम पाले हुए है, क्यों? कोई अपने देह की क्रिया का करता है, कोई अपने राग की क्रिया का करता है। ये गली गली में जो कर्ता बैठे हुए हैं, हमारी समस्या उनसे है, हमारी लड़ाई उनसे है, वो ईश्वर से नहीं है हमारी लड़ाई। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे शिष्यों में से कोई उसे मानता नहीं है, और दूसरा वो ऐसा ईश्वर जगत में है ही नहीं, तो कल्पना लोक में हम लड़के क्या करें? ऐसा कोई ईश्वर जगत में जिसने जगत बनाया हो है ही नहीं। वो ये कह रहे कि ये जो कर्ता बने बैठे हैं तो हमारे सामने ही बैठे हैं। अब भी हाँ, एक मिनट में ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये करूंगा, है? तो इन कर्ताओं से उन्हें बात करनी थी, तो उन्होंने कहा कि भैया जो एक दूसरे का जो कर्ता कहा जाता है वो निमित्त की अपेक्षा ही कहा जाता है ना, क्योंकि एक दूसरे का उपादान करता तो कोई है ही नहीं, सब निमित्त ही करता है, निमित्त की अपेक्षा ही उन्हें कर्ता कहा जाता है ना। यहां तक कि ईश्वरवादी ईश्वर को भी निमित्त कर्ता मानते हैं, उपादान कर्ता नहीं मानते, वहां भी निमित्त उपादान का झगड़ा है, महानिमित्त। अपने आप ही महानिमित्त हैं, आकाश द्रव्य सारी दुनिया को अवकाश दे रहा है, काल द्रव्य सबके प्रणमन में निमित्त है, धर्म द्रव्य सब जीव पुद्गलों के चलने में निमित्त है, अधर्म द्रव्य अपने ही महानिमित्त है ना, सारे जगत को चला रहे, क्यों? तो वो उसको निमित्त करता मानते हैं। तो वो ये कह रहे इन गाथाओं के माध्यम से, दस गाथाओं की बात चल रही है अपनी, कि भैया उपादान तेरी परिणति है, तेरा त्रिकाली उपादान तेरा भगवान आत्मा है, तो क्षणिक उपादान ये दो भेद हैं, अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय का वैभव वो तेरे अंदर है, और तत्समय की योग्यता वो तेरे अंदर है। अब ये कर्म का उदय ये अंतरंग निमित्त है, सर्वमान्य है, पूरे देनियों को मान्य है। अब निमित्त और उपादान दोनों ही हो गए, तू कौन होता है जो कर्ता बना है? जब मैं जयपुर नहीं आया था आज से 45 साल पहले, इंदौर में रहता था, तो इंदौर से 12 दिन का शिविर उज्जैन में लगाया था, तो मैं उज्जैन गया था, आप भी थे ना राजन साहब, और वहाँ क्रमबद्ध पर्याय पर सब्जेक्ट रखा पब्लिक मीटिंग, जैसे आपकी तो मंदिर के सामने है, मंदिर के सामने बीच बाजार में सभा, और किसी हिंदू को अध्यक्ष बनाया, किसी मुसलमान को अतिथि बनाया, मुख्य अतिथि, और क्रमबद्ध पर्याय मतलब से फिर ज्यादा बदल लो आप चाहो तो, क्यों बदलने? मैंने कहा जो हमारी समस्या है वो हिंदुओं की भी है, वो मुसलमानों की भी है, तो सुनना, जैसे अपने कर्ता बने बैठे हैं ना, और कुंड कुंड कह रहे भैया उपादान हरे का अपना आत्मा है और निमित्त कर्म का उदय है, तुम कौन होते हो बीच में? ऐसे ही उनके यहाँ कहा है कि राम जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, देखा ना, तो मैं कह रहा राम जी तो निमित्त ही है ना, तो वहां तो भाई कह रहे कि निमित्त भी राम जी हैं, तू कौन होता है? तो वहां जो जगत कर्ता बनता है उसका निषेध हिंदू धर्म में भी है, और मुसलमान के यहां भी सारे पत्ते खुदा की मर्जी से हिलते हैं, वहां खुदा की मर्जी से पत्ते नहीं हिलते उनकी मर्जी के बिना, ईसाइयों को लाओ तो उनके गोड हिलाते हैं सारे पत्ते। हरेक की समस्या ये है, छोटे छोटे कर्ता बैठे हैं गली गली में,
ये तुम करता नहीं हो, तुम कर्तृत्व का अभिमान छोड़ो। बोलो कहाँ विरोध है हमारा, कहाँ पब्लिक मीटिंग में हमको भाई बात समझाने में कहाँ दिक्कत है? कौन सी बात समझा रहे? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसलिए तुझे कोई मार नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, तू किसी को मार नहीं सकता, तू किसी को बचा नहीं सकता, तू किसी को सुखी नहीं कर सकता, तू किसी को दुखी नहीं करता। अब वो निमित्त उपादान दोनों हो गए। समस्या तो ये है, हम ये क्यों भूल जाते हैं? हमारी समस्या तुम्हारे माथे से कर्तृत्व का भार उतारना है। कुंड कुंड कहते हैं अपने शिष्यों के, क्यों? क्योंकि जिनके माथे भार वे डूबे भव भार में, और हम तो उतरे पार वे झोंक भार को भार में। भार में जाए ना, गुरुदेव जी ना बोलता ना, भार में जाए ना, भार में जाए ना, तो तेरे माथे का जो भार है उसे भार में झोंक दे। ये भार उतारना चाहते हैं। तेरे माथे पे जो तीन सल पड़ रहे हैं ना, ये मिटाना चाहते हैं वो कहते आचार्य। हमें क्या लेना देना ईश्वर से? हम तो ये कहते हैं कि तेरे को कोई जीव जगत में ना मार सकता है, ना बचा सकता है, ना सुखी कर सकता है, ना दुखी कर सकता है, इसलिए तुझे रंज मात्र भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या कितनी बड़ी समस्या हमारी ये है कि कोई हमें मार ना दे, कोई हमें मार ना दे, कोई हमें मार ना दे। सारी दुनिया ने लाखों अणुबम और एटम बम इसलिए बना रखे हैं कि कोई उन्हें मार ना दे। बोलो काय के लिए कहते हैं भाई? कहते हमारी सुरक्षा के लिए है। हिंदुस्तान में भी वो भी अपना पीछे क्यों रहे? काय के लिए बनाए हैं? कोई हमें मार ना दे। क्यों भाई साहब? यदि इसका इलाज हो जाए तो फिर इनकी क्या जरूरत है? अब वो पूछ लो, किसी से स्वीकार करवा लो। भारत के 125 अरब लोगों में से एक भी है कहेगा पागल हो गया है? पाकिस्तान के पास है, हमारे पास नहीं है। चाहे हमें भूखों मरना पड़े, रूखी रोटियां खानी पड़े, लेकिन अनुभव तो चाहिए। क्यों? कि कोई हमें मारना दे, इसीलिए तो सुरक्षा के लिए चाहिए। हम किसी को नहीं मारेंगे। क्यों? सब कहते हैं, अमेरिका कहता है, ये जिन्होंने मारा है वे भी कहते कि हम किसी को नहीं मारते। क्यों? अन्य सब लोगों ने अणुबम अपनी सुरक्षा के नाम पे बनाए हैं, जबकि उनका काम मारना है, सुरक्षा करना नहीं। अणुबम क्या करते? क्यों कहीं फेंकोगे तो सुरक्षा करेंगे कि मारेंगे? गजब होते कौन? वे जैनी जिनके यहां लिखा कोई कुछ नहीं कर सकता, वे हिंदू जिनके यहां राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, वे मुसलमान जिनके यहां खुदा मर्जी के बिना पत्ता नहीं मिलता, और वे अंग्रेज जिनके यहां गॉड के बिना मर्जा के बिना पत्ता नहीं हिलता। भैया तुम हिंदुओं को काहे को जरूरत है बताओ तो मुझे अनुपम? तुम्हारे तो राम जी है ना, राम जी की मर्जी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। मुसलमान पाकिस्तानियों से मैं कहता हूँ, भैया तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं खुदा की मर्जी के बिना तो कुछ होगा नहीं। अब खुदाई की मर्जी हो जाएगी भैया, फिर तो कोई क्या बचा पाएगा है? और सारे यूरोप वालों से मैं कहना चाहता हूँ, पश्चिमी देशों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा गॉड के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सब धर्म भी मानते हैं, अपने धर्म के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, और हर एक के धर्म में ये बात लिखी है, और उसके लिए कोई अनुमान भी बना। तो हम ये बात कह रहे हैं, बोलो दुनिया हमें पागल कह रही, इनका बस चले तो पागल खाने में डाल। कैसा आदमी है? क्यों? बोलो बोलो सत्य क्या बात है? मैं आपसे पूछता हूँ, युक्ति से, आगम से, शास्त्र से मैं आपको प्रूफ बात करता हूँ,
मैंने कहा उस दिन उज्जैन की सभा में आज से 40 वर्ष पहले सन 66 में ये बात मैंने पब्लिक मीटिंग में कही थी हिंदू मुसलमानों की सभा में, जिसके बड़े बड़े ऑफिसर सब बैठे थे हिंदू मुसलमानों के। बोलो इसमें कहाँ खतरा है? कौन मुसलमान भाई इस बात का विरोध करेगा? कौन हिंदू भाई इस बात का विरोध करेगा? अरे हमारे पास कोई विरोध करे इसकी जरूरत, विरोध ना करे ऐसा ही माल बहुत है, वो ही परोसेंगे हम, वो क्यों परोसेंगे जिसका कोई विरोध करेगा? क्यों? हमारी समस्या है कि कोई हमें मार ना दे, इसके लिए हमने इतनी गोलियां बनाई, साहब ने सारे विश्व ने कितनी बना ली, सारे विश्व को 50 बार बर्बाद कर दे इतनी गोलियां तो अमेरिका ने बना ली, 25 बार बर्बाद कर दे इतनी रशिया ने बना ली, 5 बार बर्बाद कर दे इतनी चाइना ने बना ली, एक आध बार बर्बाद कर दे इतनी हमने भी बना ली। लेकिन सारी दुनिया 100 बार नष्ट होगी ऐसा मौका ही नहीं आएगा, जब एक बार नष्ट हो जाएगी तो दोबारा नष्ट होने को कुछ बचेगा ही नहीं, प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। किनके हाथ में है ये? मैं कहना नहीं चाहता हूं कि वे आधे पागल हैं जिनके हाथ में है, नहीं तो अन्ना जी जैसी मेरी हालत भी होगी, तुम अन्ना जी नहीं है, कोई दूसरे अन्ना जी और हैं। क्यों क्या 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 भाई कुछ हो ही नहीं, कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, ये बात हमारे के लिए उतरती ही नहीं है। हमारे एक भाई बंधु हैं, वो हमसे कल कह रहे थे कि स्वामी जी का विरोध है लोगों ने सिद्धांत का नहीं किया, वो तो उनके व्यक्तित्व से जलते थे इसलिए उन बातों का किया। मैंने कहा मैं नहीं मानता, सारा विरोध सिद्धांत का ही हुआ है, व्यक्तिगत कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्या किसने किया? मैंने कहा तुमने किया है? हम तो उनके कट्टर भगत हैं, सबसे बड़े विरोधी तो ये भगत ही हैं। कौन? कि जो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन सी? कि कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई हमें मार बचा नहीं सकता, कोई हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता। जो ये बात नहीं मान रहे, मानने को तैयार नहीं है किसी ना किसी बहाने से, वो अपकर्षण होता है ना, वो उत्कर्षण होता है ना, वो कदली घात होता है ना, ऐसी बात नहीं। कुंद कुंद को पता नहीं था कुछ, कुंद कुंद नहीं जानते थे करणानी हो। अरे उन्होंने सठखंडागम पर परिक्रम नाम की टीका लिखी थी, सबसे पहले करुणानी योग पर लिखी थी, समय सार तो बाद में लिखा। उन सबके जवाब हैं, मेरे पास भी हैं, मेरी किताब में भी लिखे हैं, नहीं सुनना किसको है? आप बताओ अकाल मरण होता है कि नहीं होता है? भैया एक घंटा है तेरे पास, हमें हमारा पास इसका जवाब है। नहीं नहीं बस एक शब्द में, ज्यादा मत बोलो आप, बस हाँ या ना। बंदूक की छाती पर हाथ, हाँ या ना, और हम कहेंगे नहीं होता, तत्वा सूत्र में लिखा है। तू ही नहीं पढ़ा तत्वा सूत्र? हमने नहीं पढ़ा। अरे हमने 11 वर्ष की उम्र में तत्वा सूत्र ऐसा पढ़ा था कि पहले सूत्र से अंतिम सूत्र तक बोले और अंतिम सूत्र से उल्टा पहले सूत्र तक बोले, और उसकी एक एक रग रग का उसका हमें अर्थ हमें मालूम था, और आज भी है। अब हमारा समय नियम सार अनुशीलन खत्म होने वाला है ना, तो हम तत्वा सूत्र अनुशीलन लिखने वाले हैं, ख्याल में आए ना, बचे रहे तो। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, वो सूत्र हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन 10-5 सूत्र ऐसे हैं कि जिनका अर्थ मेरी दृष्टि में बहुत लोग नहीं समझते, और बहुत में बहुत समझ लेना।
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे धन है उन सूत्रों का अर्थ लिखने के लिए मुझे वो टीका लिखना। मैं उन अकेले उनका नहीं लिखना चाहता, अकेले का उनका तो मैं एक साल में ही लिख के आपको दे सकता हूँ। क्यों? कि फिर उसे राग देश से देखा जाएगा। तो मैं पहले सूत्र से लिखूंगा, जब वो वहाँ आएगा तब उसी प्रकरण में ये बात लिखूंगा। इन गाथाओं पर भी मैंने ये जब नियम समय सार में आई बंधाधिकार में तब लिखी। ये सन 84-85 में कुंद वर्ष कब मनाया गया था है मालूम किसी को? कुंद का 2000वां वर्ष कब मनाया गया था? 92 के लगभग मनाया था। तो 92 में मैंने कुंद शतक का संकलन किया था, कुंद की 100 गाथाओं का है ना, उनमें ये गाथाएं दी हैं। अब उस 92 में तो मैंने मेरे ध्यान में थी तब तो मैंने छांट के उसमें दी। और मैं सारे देश में और विदेश में उस बरस इन गाथाओं पर प्रवचन किया। वो सब मेरे कैसे विदेश में यहाँ सब जगह 92 बता रहे तो 92 कम 20 वर्ष तो हो ही गए ना पक्का। लेकिन अभी जब समय सारण मिलन आया तब वहां लिखी। क्यों? तो भाई ऐसा नहीं कि छांट छांट के गाथाएं बोलते हैं, छांट छांट के लिखते हैं। मैंने कहा ऐसा करो ना कि कौन सी गाथा पर प्रयोजन करोगे। मैंने कहा लाओ तुम बता दो। कि नहीं नहीं आप तो आप लोग तो सिलेक्टेड गाथाओं पर है, आपको वही आती है, तो आप क्या करोगे? 19वीं करोगे, 73वीं पढ़ोगे, 38वीं पढ़ोगे, फिर तुम सिलेक्टेड गाथाएं हैं। मैंने कहा ऐसा करो बेटा, इसे लो, ऐसा करके एक बच्चे से खुलवाओ और जो पेज खुले उसी पे प्रयत्न करूंगा। बोलो काफी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक सही घटना। विद्यानंद जी महाराज ने मेरे से कहा कि पंडित जी हम आपसे समय सार सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अभी यदि समय सार का कोई यदि किसी से पढ़ना हो कोई है तो आप उसके ज़्यादा गहरे अध्येता हैं, इसलिए आप जो समय दो उस समय हम आपसे 7 दिन समय सार सुनना चाहते हैं। हमने कहा महाराज बोलो कौन सी तारीख में आपको हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने तारीख दी, हमने दोनों ने नक्की की, और कोई कुंवर का महीना था ना दशहरे के आस पास कहीं, वो नक्की किया और 7 दिन तक हम गए। 50 विद्वान थे उसमें, राजन तुम भी थे और 3 आरिकाएँ माताएं थीं, एकाध और चुल्लक मुनि थी, और महाराज बैठे थे और हम बैठते थे। महाराज ने सबको आदेश दिया कोई नहीं बोलेगा, पंडित जी बोलेंगे, कुछ पूछना होगा तो मैं पूछूंगा, उसके वो जवाब देंगे, आप लोग शांति से बैठे रहेंगे, बाद में जो कुछ कहना मुझे बताना, फिर मैं दूसरे दिन पूछूंगा। मैंने कहा महाराज आप कहो तो हम ये बना लें फिल्म इसकी। बोले हाँ बनाओ। मैंने कहा टीवी पे देंगे? कि हाँ देना, अच्छी बात है। महाराज क्या करते थे कि डॉक्टर साहब हमको तो 19वीं गाथा सुननी है आज। तो 19वीं गाथा क्या? तो हमने 5-7 गाथाएं शुरू की, 5-7 बात की, बोल के बता के ये प्रसंग है, अब उस गाथा का हम अर्थ करते थे। फिर मैंने कहा महाराज अब शाम को कौन सी गाथा सुननी वो बता दो तो मैं थोड़ा देख दाख के आ जाऊँ। सही घटना है, तो उस कैसेट में भी है, आप चाहो तो यहाँ कैसेट उपलब्ध होंगे, वीडियो है पूरा, शाम को जाके टीवी पे देख सकते हो। नहीं तो मैं कह सकता था क्योंकि ये भी टीवी पे जाने वाला है। तो महाराज नहीं सुनेंगे तो महाराज के भगत तो बहुत सुनेंगे ना, क्यों? तो वे मुस्कुरा कर रह गए। शाम को गए तो 336वीं गाथा, फिर भी मैंने बताया। ऐसा 14 व्रतन हुए, 14 में उनने ऐसा ही किया, क्योंकि वो मेरी पूरी जांच करना चाहते थे, आगे से पीछे से ये सब समय सार मुझे आता है कि नहीं आता है। हाँ तो मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा, वो शंका मेरे प्रति थी, के तत्व के प्रति थी, के बाद जो भी
लेकिन उनकी बहुत आशीर्वाद और अनुकूलता अपने को है, इसलिए मैं कोई गलत अर्थ में कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं आप जब लोगों से हाथ जोड़ता हूँ कि इन जैसा दिमाग आप लोगों में मत रखना। क्या मैं बुराई के अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ उसके बाद उनने मुझे चिट्ठी लिख के भेजी। वो चिट्ठी अपनी अपनी किताबों में छपी है ना, है? तो फिर हमने पूछा कि चिट्ठी आपने भेजी है, अब ये हमारे ऑफिस वाले इसे छापना चाहते हैं तो आपकी परमिशन है? अरे इसके लिए लिखी है, छापो, जितनी छाप सकते हो छापो। तो छपी, सारे देश में गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो सामान्य जगत की बात है, इसमें कहाँ विवाद है? इन गाथाओं में कोई विवाद हो तो बता दे। क्यों साहब, केवल अकाल मृत्यु का क्या हुआ? जो होगा ना कुछ ना कुछ, तो सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। मैं थोड़ा पूछता हूं कि सूत्र तुमने देखा है, अकाल मृत्यु लिखी है उसमें? कौन सा सूत्र बताओ, बताओ, हाथ उठाओ, किस किस को मालूम है तत्वा सूत्र में कहां लिखा, कौन सा सूत्र है? दो आदमी के हाथ उठे, तीसरा चौथा पांचवा सतमा बस। लेकिन 5,000 आदमी में 500 कितने परसेंटेज हुए? 1% नहीं हुए। दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है, क्या लिखा उसमें? औपादिक तर्मोत्तम देहा अनपवर्तायुषा असंख्य वर्षायुषा अनंत अनपवर्तायुषा, ऐसा सूत्र है, यही लिखा है ना? क्या अर्थ होता है इसका? इसमें कौन से शब्द का अर्थ अकाल मृत्यु होता, मुझे बताओ। आप विद्वान हो ना बड़े, तो मैं बताऊं कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अकाल मृत्यु होता है? इसका क्या अर्थ है? उत्पाद जन्म वाले देवो नारकी, उत्पाद है ना, और चरम शरीर उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, और उत्तम सैनन वाले माने बद्रे शब्द सानारा सैनन वाले, और जिनकी असंख्यात वर्ष आयु है बे। इन जीवों का आयु कर्म का बद्धमान भुज्यमान आयु कर्म का अपकर्षण नहीं होता, ये अर्थ है उसका। क्या समझे, क्या अर्थ समझ में आया कुछ? जिसके लिए अकाल मृत्यु तत्वासूत में लिखी चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है, उस सूत्र का ये अर्थ है। क्या मतलब? आयु दो तरह की होती है भैया, एक भुज्यमान और एक बद्धमान। ये भुज्यमान और बद्धमान क्या है? जो आयु अगले भव की अपन ने अभी बांध ली हो, जब हम देवगति में जाएंगे तो देवायु बांध ली, लेकिन अभी उसे भोगना शुरू नहीं किया, समझे ना, लेकिन बांध ली और वो निरंतर बंधी प्रकृति होती तो हमेशा बनती रहती है, तो उसको बोलते हैं बद्धमान आयु। अब ये मनुष्य आयु हमने भोगना शुरू कर दी, आधी पर दी भोग ली आधी, है ना, इसे बोलते भुज्यमान आयु। तो वो ये कहते हैं कि अपकर्षण माने होता है आयु कर्म की स्थिति में कम होना, उत्कर्षण की बात नहीं, अपकर्षण माने कम होना। तो वो ये कहते हैं कि एक आदमी ने, देव ने 22 सागर की आयु बांध ली, तो ना तो वो पहले भव में जब वो बांधी है तब से, और ना अगले भव में, मतलब जब भोगना शुरू किया तब तक अपकर्षण में कभी होता ही नहीं, उसको वो कहते हैं कि इनका अपकर्षण नहीं होता। अब मनुष्य में क्या है कि आयु हमने भोगना भी शुरू कर दी तो भी अपकर्षण हो सकता है, ये बात बताइए उसमें, कि इन्हें छोड़कर बाकी जीवों की आयु का अपकर्षण भुज्यमान आयु का भी होता है, बद्धमान का तो उनका भी होता है, होता है ना, जैसे कि नारद राजा शनक की 33 सागर की बनी थी और वह 84,000 वर्ष की रह गई, समझे ना भाई, वो तो आयु का अपकर्षण कब होता है, किसका होता है, ये बताया है। तो कि अपकर्षण हो जाएगा तो फिर समय के पहले ही मर जाएगा ना वो, अभी ये हमारी शंका है, इसे वो अकाल मौत हो गई, समझे ना। अब देखो तो थोड़ा ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं। ऐसा है
कि भगवान महावीर से पूछो कि ये व्यक्ति किस कितनी आयु में कब मरेगा, कौन सी स्थिति में मरेगा, समझे ना। ऐसा समझो पहले बीमार है वो, अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर से पूछो तो कहे कोई चिंता की बात नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये बराबर 100 वर्ष पूरे करेगा, चिंता मत करो आप, मतलब बोलेगा ना। फिर से बोलेगा कर्म बार, अब अवधि ज्ञानी से पूछो तो वो अवधि ज्ञान की स्थिति देख के बताएगा कि 90 वर्ष की उम्र में मरेगा, अभी 90 वर्ष की स्थिति है। अब उसकी 70 वर्ष की उम्र में आयु का अपकर्षण होकर और वो 71 वर्ष की उम्र में मर गए तो आप कहेंगे हो गया ना अकाल में, लेकिन वही बात अब भगवान महावीर से पूछो केवल ज्ञानी से तो वो कहेंगे 90 वर्ष की उम्र में मरेंगी, 71 वर्ष की उम्र में मरेंगे। क्यों? क्यों? उन्हें वो भी पता है कि अबे आयु 90 की है और ये उधर अपकर्षण हो जाएगा तो फिर वो इसका, तो सच्ची किसकी है बोलो। और सरल करूं उदाहरण, एक आदमी को 20 साल की सजा हुई, उसने हाथ जोड़ के मजिस्ट्रेट साहब से पूछा महाराज मैं जेल से कब छूटूंगा, तो उसने कहा 20 साल बाद। ठीक है, किसने? फिर उसने अपने वकील से पूछा कि वकील साहब मैं कब छूटूंगा, तो कहा 20 साल बाद। फिर जेलर से पूछा कि कब छूटूंगा, तो कहा 20 साल बाद। ठीक है, फिर भगवान महावीर से पूछा केवल ज्ञानी से कि मैं जेल से कब छूटूंगा, तो कहे 5 साल बाद। बोलो कौन सच्चा है? भाई तीन आदमी का ज्ञान तो जो सजा दी है जज ने उस सजा को पढ़कर उसके आधार पर किया है, वे झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि तो सजा में 20 साल लिखा तो 20 साल में छूटेगा, उसमें क्या बात है। और महावीर को ये मालूम है कि राजा के बाल बच्चा नहीं होता, 5 वर्ष बाद मुश्किल से बाल बच्चा होगा तो उसकी खुशी में सब कैदियों की छुट्टी हो जाएगी इसकी भी। अब आई समझ में कि नहीं? अब वो अकाल में छूटा क्या स्वकाल में? महावीर को तो मालूम था ना, नक्की तो वही था ना 5 साल में छूटेगा, 20 साल थोड़ी नक्की था, 20 साल तो जज ने इस सजा सुनाई थी, उसका नाम नक्की थोड़ी है। तो ऐसे आयु का आकर्षण कब होगा, क्या होगा, बीच में क्या क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, उससे क्या लेना देना है? डॉक्टर बताएगा अभी आप वर्तमान तबीयत देख के, पंडित जी आप चिंता मत करो 100 वर्ष से पहले जाने वाले नहीं हो, क्यों क्यों? कोई बताएगा ऐसा है, कोई बताएगा कुछ बताएगा, अपने अपने मन से अपने राग से बोलेंगे हम आपकी शताब्दी मनाएंगे, क्यों? इसका मतलब तुम तो जिंदा रहोगे ना। हमारी तो जाने दो, जो होगा तो देखा जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि वो अकाल माने समय के पहले है ही नहीं, इसलिए अकाल, ये उसका अर्थ है। अब उसे अकाल क्यों गए? अकाल का अर्थ समय के पहले भी नहीं होता, ये भी सफेद गलत है। तो क्या होता है फिर बताओ, ये और बहुत कठिन बात है, बताऊं क्यों समझी बता दूं? हर काम में 5 कारण होते हैं, एक नाम है स्वभाव, एक नाम है काललब्धि, एक नाम है निमित्त, एक नाम है विधि पुरुषार्थ और एक नाम है होना। 5 संभव होते हैं हर काम में, और कहा जाता है एक होता है 5ों से काम। जब भी कोई काम होगा टोलरमल जी ने लिखा है वहां 5ों मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे, और नहीं होगा तो एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन कथन एक का होता है, कैसे होता है समझिए ना। जैसे कोई आदमी ट्रक के आगे मर गया कुचल के, तो कहेंगे भैया ये तो ट्रक के आगे एक्सीडेंट में मरा है, माने निमित्त बलवान है, हमने बहुत समझाया था बेटा मत जाओ लेकिन नहीं माना, तो जाकर के ट्रक का नाम हो जाएगा, निमित्त का नाम हो जाएगा, समझे आप। लेकिन अब कोई आदमी पलंग पे बैठे बैठे आराम से, और डॉक्टर वाक्टर ने सब कह दिया था एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है,
और चले गए तो आप क्या कहोगे, भैया काल ही आ गया था, हम उसमें क्या कर सकते थे। उसे बोलते हैं काल मत। अब क्या होता है कि हर एक की हमारी पद्धति है ज्ञान और अज्ञान, जैसे आ लगाया ना काल और अकाल। अच्छा जीव और अजीब, अजीब माने क्या होता है, बाकी के पांच द्रव्य होता ना, तो काल माने काल नामक संवाय और अकाल माने बाकी के चार। तो बाकी के चार में से किसी पे आरोप दिया जाए और उसे एक नाम से कहना हो तो उसे हम अकाल कहते हैं। ये है अकाल का आरोप। ये सब मैंने क्रमबद्ध बताया कि किताब में लिखा है। क्यों तुम्हारे पास हजार किताबें हों तो बांट देना, दातार हम खोल देंगे, क्या सबको देना पढ़ने देना, क्यों खरीदेंगे तो है नहीं, खत्म हो गई तो और मगर क्या। आप सब सब लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूं और सबने पढ़ा है, कम से कम 40-50 आदमी की, विद्वानों की, संतों की, तो मेरे में सहमति छपी है उसी उसी किताब में। युगल जी बहुत नाराज हुए थे इनकी सहमति क्यों छाप रहे, मैंने कहा इसलिए छाप रहे कि इनने पढ़ा है इस चीज को, ये मानते हैं सिद्ध तो रहेगी। क्यों समझना ना, पढ़ी है उसमें लिखी है ये बात जो मैं आपको सुनाई है, समझ गए ना। तो हर एक प्रश्न का जवाब है, लेकिन आपके धैर्य होना चाहिए ना, आपको समझने की ताकत होना चाहिए ना। आप छाती पे बंदूक रख करके और कहोगे हाँ मैंने जवाब दो के ना मैं जवाब दो, क्यों तो होती कि नहीं होती, और हाँ ना मैं जवाब दें तो छाती पे बंदूक गोली रखी है, देखो 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 ये तत्वासुद को नहीं मानता, तत्वासुद को नहीं मानता, पर एक मिनट में तुमको हमको मुसलमान घोषित कर देना है, हमें क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा नहीं चलता। यदि समझना हो तो सबके उत्तर मौजूद हैं जिनवाणी में, फल में आई ना बताए जा सकते हैं, लेकिन ये तो शास्त्र आपके सामने लिखा, ये तो एक एक पंक्ति आपकी समझ में आ रही ना जो यहाँ बोल रहे हैं, निज आयु छय से मरण हो गए बात जिन बर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, निज आयु से जीवित रहे यह बात जिन बर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। एक आध इंजेक्शन ऐसा तैयार हुआ है जिसमें आयु कर्म कर घर लगा दें तो आयु कर्म कर जाए, तो मैं आपसे कह रहा था कि हमने अपनी रक्षा के नाम पर कितना मारने का इंतजाम कर रखा है, कितने अनुपम बना रखे हैं, और कहीं भी अपने आप फट गए तो क्या होगा, आखिर अंत तो हरेक का है, क्यों लिखा ये बिल्डिंग गिर गई तो क्या होगा, कैसे गिरेगी कैसे गिरेगी, हमने इतना लोहा लगाया, इंजीनियरों को दिखाया है, अंत तो हरेक का है ना, काल तो हजार बस नहीं साहब 100 साल की तो गारंटी है, लेकिन 100 साल के बाद की तो गारंटी नहीं है ना, क्यों कभी ना तो गिरेगी ना। अब एक समस्या है कि भैया अब हमें कोई मार तो नहीं पाएगा, क्यों हमने इतना इंतजाम कर लिया है, और यदि खुद ही मर गए बेटा तो तुम्हारा इंतजाम रखा रह जाएगा, ये अनुमोम क्या काम आएगा, तुम मरने लगोगे एक अनुमोम खिला देंगे ना तुम्हें, तो उसके लिए हमने दूसरी गोलियां बनाई, कौन सी एंटीबायोटिक्स, क्या नाम रखा उसका हमने, जीवन रक्षक दवा, क्या नाम रखा, हिंदुस्तानियों से खोटी चीजों का अच्छा नाम रखना हिंदुस्तानियों से सीखा। एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब होता, एंटी माने शत्रु, नाशक, कीटाणुओं की नाशक माने कीटाणुओं को मारने वाली, वो दवा क्या है, कीटाणुओं को मारने वाली दवा है, हमने हिंदी में अनुवाद क्या किया,
कीटाणु नाशक औषधि नहीं किया, करना चाहिए था ना, जीवन रक्षक दवा, देखो कितना बढ़िया नाम रखा। मछलियां मारने का धंधा करे और नाम रखे मत्स्य पालन उद्योग, कि मछलियों को पालता हूं। देखो मारने के काम को पालने का नाम देना, छोटे काम को अच्छा नाम देना हमसे सीखे महावीर सुभंडार। हाँ भी जूता पहनते थे ना, क्यों दिगंबर वस्त्र भंडार। ये अनुपम अटम्बम हमने मारने के लिए बनाए और उन्हें रक्षा का साधन, अरे आज तक इनसे रक्षा किसी की नहीं हुई। बंदूक रखता है, पिस्तौल रखता है, काय के लिए रखता है, अपनी रक्षा के लिए। गवर्नमेंट देती है ना लाइसेंस, काय के लिए, रक्षा के लिए। मुझे नहीं मिलेगा लाइसेंस, तुम्हें किससे डर है? फिर मैं बताऊं कि मुझे इनसे डर है तो शायद मिल जाए फिर बाद में किसी नेता की सिफारिश से, क्यों? लेकिन मैं पूछता हूं कि वो पिस्तौल किसकी रक्षा कर पाई है? इंदिरा गांधी के रक्षक इंदिरा गांधी को बचा पाए? वो पिस्तौल तो मारने के काम आती है, बचाने के काम कहाँ आती है? कितनी बड़ी बात, कितनी स्पष्ट बात है क्या नहीं? देखो आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और आपके पास बंदूक है, पिस्तौल है, तो आपके वो 1,00,000 रुपए भी जाएंगे और आपकी जान भी जाएगी, और 1,00,000 रुपए मेरे पास हो, कभी होंगे नहीं क्योंकि मैंने आज तक अपनी जेब में पैसा रखे ही नहीं, और जितना रखता हूँ वो गारंटी से 2-4 घंटे में खो जाते हैं, और मैंने रख नहीं सकता, कभी नहीं रखे नहीं। डॉक्टर के यहाँ जाता हूँ तो मैं पैसा लेके नहीं जा सकता, एक आदमी साथ में जाओ पैसा लेके, मेरे बस की नहीं है। क्या मेरे पास 1,00,000 रुपया हो तो मेरा बाल बांका नहीं हो सकता? क्यों? वो आएगा ना तो क्या कहा, क्या बात है, जेब में से पैसे निकालो ले। और मेरे पास नहीं, तू चाहे तो कुर्ता दे देता हूँ, घड़ी दे दो, क्या करे, काय को मारेगा मुझे, ये गोली मुफ्त में आती है, समझे ना। जिसके पास कोई हथियार नहीं है उसको कोई खतरा नहीं है, जिसके पास हथियार है उसको खतरा ही खतरा है। ऐसे भी बहुत देश है ना जिनके पास अनुभव नहीं है, उन्हें कभी खतरा है? श्रीलंका के पर नहीं है, मालदीप पर नहीं है, उन्हें किनसे खतरा है? उन्हें क्या चिंता है, एक अनुभव मैं भी बना लूं, नहीं तो मुझे अमेरिका मारना दे, काय को मारेगा, अमेरिका के चुप बैठो तो बैठ जाएगा। अरे भाई ये रक्षा के साधन नहीं है, ये मौत के आमंत्रण है। क्यों? कि पिस्तौल वाले के पास कोई रुपया छीनने आएगा तो 4 आदमी 2-2 पिस्तौले लेके आएंगे, और मेरे पास तो एक डंडा ही बहुत है, डंडे का भी क्या करेगा। क्यों समझ रहे, डंडे का भी क्या करेगा? मेरे कहने का मतलब यह है, हथियार सुरक्षा के साधन नहीं है, और ना ये जीवन रक्षक दवाएं हमें आज तक हमारे जीवनों की रक्षा कर पाई। लाखों लोग मरते रहे, रोजाना मरते हैं, और इनने कितनों कितनों को बचा लिया मुझे बताओ। यदि बचाया होता तो कब से बन गई, 200 साल से होगी ना, एक आध आदमी 200 साल का होगा, कि जब सब आ जाए तब थोड़ी बचा सकती हैं। अरे गजब हो तो दे तो हम कह रहे, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, कि जब आ जाएगा काल तब नहीं बचा पाएगा, यही हम कह रहे, और जब तक काल नहीं आया फिर तुम्हारी गोलियों गोलियों की जरूरत क्या है। मैं बहुत सच्चे हृदय से एक बात कहता हूं, अभी मैं आप सबकी जांच करूं जेबों की, तो हर एक की जेब में 2-4 गोलियां अवश्य निकलेंगी, निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। और हमारे संत मुनिराज हैं बेचारे, एक टाइम खाना खाते, अंग्रेजी दवा खाए नहीं, खाए नहीं ना, कि कितना उनका कष्टमय वैसा जीवन है, फिर भी 90-100 वर्ष नीचे कोई जाता ही नहीं,
घबराना नहीं, मुझे दुख नहीं है इस बात का, बहुत खुशी है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि दवाइयों से जिंदा रहते होते तो तुम 60 वर्ष में क्यों चल देते हो, दवाइयाँ तुम्हारी जेब में भरी हैं एक मिनट भी। ये कहा ये तो इमरजेंसी की है ना, अभी गड़बड़ हो ना, एक मोमेंट 24 घंटा साथ में रखने पड़ती है, क्यों कोई दवाई लेते ही नहीं। कितना बड़ा प्रमाण है कि साहब डॉक्टर कहता है 4 दफे तो खाना ही पड़ेगा, 6 दफे तो खाना ही पड़ेगा, तो 4 घंटे से खाना पड़ेगा, क्यों एवं मुनिराज दिन में 24 घंटे में एक दफे का देखो, और चार जितना भी कोई कमी हो गई हो, लेकिन ये बातें तो नक्की है ना कि नग्न दिगंबर रहते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, द्वारा पानी भी नहीं लेते हैं, इनमें तो किसी को कोई शंका नहीं है ना है? और उसके बाद जितने स्वस्थ वो रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, बोलो ये भोजन से जीवन चलता है ये बात झूठी है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन में नरकों में जीवन भरपेट मनुष्य को मरता है। बोलिए हम दिन रात भगे, हमें कोई विचार नहीं है, लेकिन कोई भी आज बच गया हो तो बताओ कहाँ बच गया। हमारे पूर्वज थे जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो माँ बेटे से कहती थी, बेटा छाती पर 25 गोलियां लगी हों तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं गौरव के साथ तेरी चिता को आग दे दूंगी, लेकिन पीठ में एक गोली नहीं लगनी चाहिए। मतलब समझ में आया, पत्नी भी पति से कहती थी छाती पर लगे तो लगने दो। और हमारे पूर्वज वो थे जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, सबकी रक्षा के लिए जीवन का छाती पर गोलियां ढेली हैं, हम भी उनसे पीछे नहीं हैं। उनने तो एकाध गोली सारी जिंदगी में ढेली होगी, हम तो रोजीना 10-15 गोलियां रोजीना सीधी छाती पे झेल रहे हैं। तो भी मौत सामने खड़ी है ना, कहाँ है ये रक्षा का उपाय है? ये सिद्धांत है, कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। अरे साहब ये दर्दनाशक गोलियां हम बचने के, जिंदा रहने के लिए थोड़ी खाते हैं, हम तो तैयार हैं मरने को, लेकिन दर्द नहीं सहा जाता। हाँ तो साता बेदनी कर्म की गोली लाओ भाई, क्यों यदि निमित्त ये है तो हम गंभीरता से इस बात पर विचार करें, आप लोग भी सोचें। मैंने बताई है किताबें आप ले जाओ और पढ़ो, इसके 16-17 पेज हैं, ये आप कितने लोग पढ़ के आए जरा हाथ उठाओ, मुझे अंदाजा लगा पढ़ा है, चलो 10-20 ने पढ़ा, यही बहुत खुशी की बात है। क्यों इतना समय नहीं मिलता है आत्मा के कल्याण के लिए? बस आप 1 घंटे में पढ़ लेंगे, 1 घंटा आत्मा के लिए नहीं देते, मुझे दे दो, इसलिए तो मैं आपको एक किताबें उगाने नहीं देता हूँ, उगाने वाले आदमी को रोजी ना टोकता हूँ, समझो ना इनके हाथ में। अब कल पढ़ के आना, नहीं पढ़ के आओगे जब तक एवरेज आदमी नहीं पढ़ेंगे, मैं यही समझाता रहूंगा, आगे बढ़ूंगा ही।